कोविड के दौरान अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वह डेफिनेटली उन पर प्रभाव पड़ता है, और जहाँ लॉकडाउन नहीं भी है देश के जिन हिस्सों में, वहाँ भी लोग डरते हैं कि जब कोविड फैल रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिस प्रकार से होनी चाहिए वो नहीं हो पाती हैं, तो डेफिनेटली अर्थव्यवस्था को डेंट लगता है, हिट होती है। लेकिन अभी जो ये चर्चा चल रही है, मुझे नहीं लगता कि ये समय सही है इस चर्चा के लिए, क्योंकि सबसे पहले महत्वपूर्ण तो है ये देश के लोगों की जानों को कैसे बचाया जाए। और जहाँ तक अर्थव्यवस्था का विषय है, एक साइकिल होती है, जब चीज़ें ठीक होंगी तो अपने आप साइक्लिक रूप में वह ठीक हो जाएगी। हमने देखा है कि बड़े बड़े युद्ध होते हैं, विश्व युद्ध होते हैं, उसके उपरांत भी अर्थव्यवस्थाएं संभल जाती हैं, सरकारें सही नीति बनाती हैं और 2-3 साल के अंदर अर्थव्यवस्था का वापस से राइज अच्छी तरह से शुरू हो जाता है। हमने क्योंकि अभी भी देखा था कि जब फर्स्ट वेव डिक्लाइन हुई थी, चीज़ें ओपन होना शुरू हुई थी, तो अर्थव्यवस्था फिर वापस से राइज होना शुरू हुई थी। इवन रियल इस्टेट में भी चीज़ें बिकना शुरू हुई थी, मार्केट ठीक होना शुरू हुए थे, लेकिन फिर सेकेंड वेव आई तो वापस चीज़ें मंदी की तरफ जा रही हैं। लेकिन एक बार हम इस जो पेंडेमिक है इससे निकल जाएंगे तो जो यूजुअल अर्थव्यवस्था की साइकिल होती है वो फिर शुरू हो जाएगी, चलती रहेगी। वो वैसे भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है एक्सपोर्ट के ऊपर तो केवल 16-17% ही रिलाय करती है, बाकी जितना 80% से ज्यादा हमारी इकोनॉमी चलती है वह डोमेस्टिक कंजम्पशन के आधार पर चलती है। तो चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी एक्सपोर्ट ड्रिवन नहीं है, तो हम सही पॉलिसीज के माध्यम से बहुत जल्दी दूसरे देशों के मुकाबले काफी तेजी से वापस से हम अर्थव्यवस्था की गाड़ी को पटरी पर ला सकते हैं और ले आएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अभी जान को बचाए, अर्थव्यवस्था के विषय में जो चर्चाएं हो रही हैं अभी ये समय नहीं है।